हेलो एंड वेलकम बैक टू फूड एंड हेल्थ केयर। आज हम देखेंगे एक ऐसी होम रेमेडी जो आपके बॉल्डनेस पे काम करेगी। बॉल्डनेस एज इन, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, जब एक्सट्रीम हेयर लॉस होता है और आपका स्काल्प विजिबल हो जाता है, उसे कहते हैं बॉल्डनेस। तो हम देखेंगे आज कि हम ऑलिव ऑयल और हनी की मदद से कैसे हम इस बॉल्डनेस को ठीक कर सकते हैं। बॉल्डनेस एक बहुत ही कॉमन है प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा कॉमन, ये आजकल हर किसी के साथ हो रही है प्रॉब्लम। एंड बहुत से लोग सोचते हैं कि इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, इसके लिए सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। एंड लेट मी मेंशन, वो इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। हम आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताएंगे विच इज नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव बट बिल्कुल नेचुरल है एंड विच हैज नो केमिकल्स एट ऑल। इस होम रेमेडी के लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो देखते हैं वो इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं हनी एंड ऑलिव ऑयल, बट आप अपनी बॉडी पर कुछ भी अप्लाई करें उसके पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। जैसे हनी है, अगर आप हनी लगाएंगे ऑन योर हेयर और योर स्किन, यू शुड नो कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। बिना किसी इंग्रेडिएंट को जाने आई वुड रिक्वेस्ट डू नॉट अप्लाई इट ऑन योर फेस और स्किन। पहले हम देखते हैं हनी के बेनिफिट्स। बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके, स्पेशली हेयर, क्योंकि आज हम हेयर की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं ये हेयर की ग्रोथ में हेल्प करता है, हेयर को कंडीशन करता है, इट इज अ नेचुरल कंडीशनर एज वेल। आपने जब ये पैक लगाएंगे उसके बाद आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि कितने अच्छे से नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। देन ये आपके बालों में एक बहुत ही प्यारी सी शाइन देगा। हेयर ब्रेकेज, जो बाल टूटते हैं उसमें ये मदद करेगा, जो आपके बाल नहीं टूटेंगे फिर। देन हेयर लॉस में ये हेल्प करता है, इट वुड हेल्प टू प्रिवेंट द हेयर लॉस। आपका जो स्काल्प है उसे मॉइस्चराइज रखेगा ये, अगर आप इसे यूज करते हैं तो। अब हम देखते हैं ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स क्या है जब आप इसे अपने बालों में लगाएंगे। ये डैंड्रफ बिल्कुल खत्म कर देता है एंड यस, इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड होम रेमेडी। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, आप इसे लगाएं, आपका डैंड्रफ कम हो जाएगा और रेगुलर यूज से बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा। इट ट्रीट स्प्लिट एंड्स, जो स्प्लिट एंड्स होते हैं, इसे रेगुलर यूज करेंगे तो स्प्लिट एंड्स भी कम हो जाएंगे। Softens your hair, makes hair manageable, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं या सॉफ्ट लुक देगा ये, जिससे कि बहुत ही आसानी से आपके बाल जो है मैनेज हो जाते हैं। आपके हेयर को स्ट्रेंथन करता है रेगुलर यूज में एंड इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ एज वेल। रिपेयर्स डैमेज्ड हेयर, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं हेयर कलरिंग की वजह से या हेयर ट्रीटमेंट्स की वजह से, हीट अप्लाई करने की वजह से, तो आप ऑलिव ऑयल लगाएं एंड यू विल सी कि आपके हेयर जो है वो कितने अच्छे से रिपेयर हो रहे हैं। रिड्यूसेस स्काल्प इरिटेबिलिटी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा आपके स्काल्प में, यू कैन अप्लाई दिस, इससे आपकी जो इरिटेबिलिटी है स्काल्प की ये भी कुछ हद तक, आई वुड से मैक्सिमम कम हो जाएगी रेगुलर यूज से। तो एटलीस्ट अ वीक अगर आप लगाएं, लगाकर सो जाएं तो इट वुड रियली हेल्प। सिनेमन हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट आज की होम रेमेडी के लिए है। सिनेमन, सिनेमन का कॉमन नेम है दालचीनी, हम इसे मसालों में यूज करते हैं, तो इजीली अवेलेबल होता है हमारे पास, सबके घर में होता ही है ये, तो हम ये भी यूज करेंगे आज की होम रेमेडी में। इट एक्ट्स एज अ हेयर कंडीशनर, जैसे मैंने बताया था हनी है वैसे ही ये भी उसी चीज में काम करता है।
promotes hair growth as well, reduces hair fall, nourishes the scalp, आपके स्काल्प को नरिश करेगा एंड आप देखेंगे कितने अच्छे से वेल मेंटेन रहता है आपका स्काल्प इसके रेगुलर यूज से एंड एड शाइन जो हम सब चाहते हैं कि हमारे बालों में हो। चलिए अब देखते हैं कि इन तीनों इंग्रेडिएंट्स की मदद से हम कैसे वर्क कर सकते हैं हमारे बॉल्डनेस पे। सबसे पहले यू हैव टू मिक्स 2 टेबलस्पून ऑफ हनी विद 1 टेबलस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर एंड 2-3 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। अब देख लीजिए इसका कितना आपने लेना है क्वांटिटी। 2 टेबलस्पून ऑफ हनी लेंगे आप, उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर मिक्स करेंगे एंड 2-3 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलराइट, फिर आपने इस पेस्ट को अपने अफेक्टेड एरिया पे लगा लेना है जहां आपको लग रहा है कि आपकी बाल नहीं है, उस पैच पे आप लगा लें। इसे 20 मिनट्स के लिए लगाए रखें एंड देन वॉश इट ऑफ। इसे आप हर एक दिन छोड़ के दैट इज ऑल्टरनेट डे पे लगाएं एंड यू विल श्योरली गेट रिड ऑफ योर बाल्डनेस। बट देन यस, होम रेमेडीज हैं तो ऐसे आप कंटिन्यू रखें कुछ टाइम तक, सो इट विल शो यू द वंडर्स दैट इट कैन डू ऑन द बॉल्डनेस। डू ट्राई दिस होम रेमेडी, इसका नुकसान कुछ नहीं है, एज होम रेमेडीज है इनके साइड इफेक्ट नहीं होते, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस। सो ट्राई करें एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक आवर पोस्ट। If you find this post useful, subscribe my channel so that you do not miss any of my upcoming posts. We also have a blog, clitzoneblogspot.com. Do visit that for more home remedies. Thank you so much.